हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अमृतसी मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कई बार एग्जाम में आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और डायरेक्टली थ्योरम की स्टेटमेंट भी आती है। अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा है तो कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, आपको एंगल बी 90 डिग्री गिवन होता था। मीन्स किसी भी ट्राइंगल में आपको एक एंगल 90 डिग्री गिवन होगा, और आपको शो करना होता था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब उल्टा कर रहे हैं, मींस आपको इस बार स्क्वायर वाली टर्म गिवन होगी, मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक गिवन होगा। आपको शो करना है दैट योर एंगल बी इज 90 डिग्री। स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते, क्या है? इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ये हो गया। तो हमें शो करना है कि एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड ये थी हमारी जिसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, इसके जो ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि एंगल बी आपका राइट एंगल है। यानी कि आपको शो करना है इस बार दैट योर एंगल बी इज 90 डिग्री। अब डायरेक्टली शो करना बी को 90 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक और ट्राइंगल की। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसिडर किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया पी क्यू आर, जिसमें आपका Q 90 डिग्री है, ये आपको अज्यूम करना होगा। और आपका जो PQ लेंथ है वो AB के इक्वल अज्यूम की है, और RQ लेंथ CB, और आप कह सकते हैं QR इज BC के इक्वल। तीन चीज अज्यूम की है, क्या ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल बनाने के बाद उसमें एंगल Q जो है वो हमने 90 डिग्री अज्यूम किया है, कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है, और जो ये लेंथ PQ है ये आपकी AB के इक्वल अज्यूम की है, और QR और RQ कह सकते हैं ये इस BC के इक्वल है। ये थी पूरी कंस्ट्रक्शन। अब हमें करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है सिमिलर शो। सबसे पहले क्योंकि इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, और पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एंगल 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे एस एंगल क्यू इज 90 डिग्री, देयर फोर बाय विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिल गया आपको, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ square plus QR square। ठीक है, और आपको गिवन क्या था, देखिए कि PQ is equals to AB and RQ is equal to CB। यहां पुट कर देते हैं, PR का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आपको मिलेगा PQ की जगह AB, तो AB square plus QR की जगह CB का स्क्वायर आप लिखेंगे by construction, क्योंकि आपने construction में ये अज्यूम किया है। ठीक है, अब आपकी मान लीजिए जो गिवन थी इक्वेशन वन हो गई आपकी, और ये इक्वेशन हो गई टू। अब आप गौर से देखेंगे इक्वेशन वन और टू का राइट हैंड साइड सेम है, बीसी सीबी की बात होती है तो उससे कंफ्यूज ना हो। वन और टू का राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए तभी वैल्यू सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से, हम कह सकते हैं दिस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू पीआर का स्क्वायर। अब लिखेंगे एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीआर का स्क्वायर। अगर ये स्टेप हम लिखते नहीं है, बट होता यही स्टेप है कि दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर आपको मिलेगा एसी इज इक्वल टू पी आर। एसी इज इक्वल टू पी आर मिल गया, आप ध्यान से देखना क्योंकि दोनों ट्राइंगल हैं, इसमें ऑलरेडी आपको दो साइड इक्वल दी हुई थी बाय कंस्ट्रक्शन, तीसरी साइड एसी और पी आर मैंने इक्वल अभी शो कर दी है। जब तीनों साइड सेम है तो क्या मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकती? जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली इनकी सीपीसीटी से सारे एंगल सेम आ जाएंगे, तो क्यू जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। क्यू ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यानी कि आपका बी भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों ट्राइंगल्स को क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट शो। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड क्यू आर, सॉरी बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये दोनों साइड है आपकी बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, आप इसको इक्वेशन थ्री लिख देंगे बाय इक्वेशन थ्री। देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, किस प्रॉपर्टी से, बाय साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, आप लिखेंगे कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। देयरफॉर आपका जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल आ जाएगा, किस चीज से, बाय सीपीसीटी से, एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज आल्सो 90 डिग्री। यही दिया आपकी थ्योरम कि आपको
एंगल बी 90 डिग्री शो करना था, राइट। तो ये थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं हमने क्या किया। हमें गिवन था एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर गिवन है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर गिवन है, और हमें शो करना है दैट योर एंगल बी इज 90 डिग्री। ये हमने शो करना है, उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हमने तीन चीज अज्यूम की। याद रखना, पहली चीज एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है, जिसकी हेल्प से ही तो हम लास्ट में, अगर क्यू 90 डिग्री अज्यूम नहीं करते तो ना तो हम पाइथागोरस लगा पाते ना ही हम आगे कॉन्ग्रुएंसी यूज कर पाते। इसलिए हमने अज्यूम किया दैट योर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, और हमने अज्यूम किया जो हाइपोटेनस के अलावा दो साइड है वो आपस में इक्वल है, हमने अज्यूम किए। तो ये तीन चीजें हमने अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि एंगल क्यू 90 डिग्री था, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमने अज्यूम कंस्ट्रक्शन की थी वो पुट की वैल्यूज यहाँ पे, उसके बाद इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया, हमें मिला ए सी बी पी आर के इक्वल आ गया। मीन्स जो तीसरी साइड थी वो भी आपस में इक्वल आ गई है, तीसरी साइड इक्वल आ गई। तो हमने दोनों ट्राइंगल को साइड 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 से क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से सीपीसीटी से आपका एंगल बी क्योंकि इक्वल आ गया, सो योर एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ऑल्दो इसका एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के ज्यादा होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ये प्रूफ नहीं आएगा। हाँ, इस बार 2021 के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे इस बार नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस कम किया है कोविड-19 की वजह से, बट हाँ आगे जरूर आएगा ये। तो प्रूफ को हमें इग्नोर नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। तो एक बार आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप एटलीस्ट रीडिंग जरूर लगाएंगे इस प्रूफ की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के साथ। तो तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।